जमीन पर पेड़ उगाना तो आसान है, लेकिन पत्थर पर पेड़ जड़ें जमा ले ये तो मुश्किल है। ये देखिए राजस्थान के इस रेगिस्तान को। गर्म हवाओं के थपेड़ों से सरकती रेत किसी भी तरह के जीवन को पनपने नहीं देती यहां, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु। अगर जीवन ने किसी तरह यहां जड़ें मजबूत की हैं, तो यकीन मानिए उसके पीछे बड़ी जद्दोजहद और लंबा संघर्ष है, फिर चाहे वो चिड़ियां हों या चिंकारा। चिड़ियों की ये चहचहाट और चिंकारा की ये चहलकदमी बताती है कि कोई है जिसने इस तपते रेगिस्तान में उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा किया है। जरा देखिए पेड़ों पर लटके पानी के इन बर्तनों, मिट्टी के इन घोंसलों, चिड़ियों ने यहाँ बसेरा डाल रखा है। इन चिंकारा के झुंड को देखिए, रेगिस्तान में रेत पर उगे इन पेड़ों की छाओं को इन सब ने आशियाना बना रखा है। बीते 60 सालों से इस रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और तपती रेत में पौधों को सांसें दे रहे हैं राणा राम। 18 साल की उम्र थी तभी से इस बढ़ते रेगिस्तान को पेड़ों के जरिए रोक देने की जिद पाली है राणा राम ने, और अब तक वो इस रेगिस्तान में अकेले 40,000 से ज्यादा पेड़ खुद लगा चुके हैं और इतने ही दूसरे लोगों से लगवा चुके हैं। मने तो पौधा यूं तो घड़ा वर्ष हो गया लगाऊ यूं तो हूं साल का पौधा करीबन 5,000, 4,000, 3,000, 5,000, 6,000 पौधा लगाऊ। अच्छा नर्सरी बनाऊ और बीज लगाऊ पुठो हूं हामली साल हुए का पाची बांगी गिनती करूं भाई कितना बंसिया बीगे साहब में हाथू लगे जगह तकारी गिनती है मैं करीबन लो 40-45 हजार तक जाता रही। अच्छा मैं ज्यादा हूं ज्यादा किया है बीटे में एक हाथ है तो किया 20,000 टोटलीस किया बीटे में 20,000 एक हाथ दर्शनी बनाई भी जद मैं हुई कि वही रू करता के भाई कौन लाया के भाई छेंजेर बंसी लाल जी बारू बीज लाया जो आम नट लगाओ जिन मैं भी योजना में मैं बीज ला नर्सरी बनाई 20,000 पौधे बनाए थे मैं 20,000 बनाए थे 10,000 मैं मेरे खेत में लगाया बाकी कई लोग अन दे दिया मैं आज दिन बांगो बीज बनी और मैं हो यार गणा ही गणा होगा। राजस्थान के जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर ओसिवा तहसील के एकल खोरी गांव में ये जो पत्थरों से बना घर आपको दिखाई दे रहा है ये राणा राम का ही है। परिवार में राणा राम की पत्नी है, बेटा है, बहू है। गांव में इस इकलौते घर के आसपास तकरीबन 25 बीघा जमीन में दूर दूर तक जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं ये राणा राम के लगाए हुए पेड़ है। पर्यावरण के प्रति ये प्रेम कैसे जागा, क्यों राणा राम देश और दुनिया में ट्री मैन के नाम से जाने जाने लगे, ये कहानी ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हर किसी के लिए एक सीख लेने वाली है। ज्यादा कर तो मेरे को यह कहते हैं कि लोग भाई पेड़ पौधा लो गए अच्छा पर्यावरण लो गए मैं तो लोग काफी लोगों को मैं तू है आप बात तो नहीं है कि भाई एक आदमी का हो यूं ठीक है कि जियो जीने दो किसी ने कोई बात गई थी मैंने सुनी थी तो मैंने सोचा कि ए बड़ा आदमी है यार इतना आदमी अंग मायने कोई बात रखी है तो आप ही बात को आप यहाँ आए हैं तो इसको लेके चलो। ये मैंने सुना था करीबन विक्रमादित्य के हिसाब से 2016 भी टाइम रे मायने चौधरी था एक ज्ञान का प्रकाश कर पिलानिया जाट उसने ये शब्द कहा उर्बन ने उसने आका ही बच्चे बड़ी मार के गई थी आपको ये रखना ही रखना है पौधांगो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और ऐसा आपका धर्म है
अच्छा, हम भी ऐसा जाट में पैदा हो गए तो, लेकिन हम आपके धर्म में रहते तो बड़ा खुश था, वो शब्द उसने पिलानी ने कहा। तो वो बड़ा आदमी था, मेरी उम्र एज कम थी, मेरे मुसाबरी में पहली बार का ही काम था, घर से करीबन 300 किलोमीटर दूरी पड़े। तो मैं भी बात तो मैत हुआ कि भैया ठीक है आप ही ऐसे रखो। तो हमने उस चीज को अपनाया। तो उस टाइम में तो नई किस्म के पौधे भी नहीं थी, टोटलीस पौधा कहता है वो बाद में आए, पहले सिर्फ नीम थे और लोग खुशी नीम मा ज्यादा करते थे, पीपल पे करते थे। तो पीपल हर जगह पे फिट नहीं थे, स्कूल है, मिंदर है, नाडी नेवाण है, उसके ऊपर लगाते थे लोग। तो आज के टाइम में नाडी नेवाण का तो बेलू खत्म ही हो चुका है मुदाई। तो नीम की रुचि ही बिंगे साबू पड़ी। बाद में मैं दूरी में कट्ठे गया, पौधा लायो या कोई नई किस्म का दरखत था उसका बीज ले आयो, और बीज से हमने नर्सरी बड़ा करके पौधा को मैंने आविष्कार किया। पर्यावरण की चिंता ना सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को सता रही है। ऐसे में पेड़ ही हैं जो इस चिंता को कम करेंगे। राणा राम यही कर रहे हैं, और जिस बढ़ते रेगिस्तान के सामने कर रहे हैं वो उनकी नायकी को महानायकी बना रहा है। राजस्थान के इस रेगिस्तान में राणा राम ऐसे महानायक हैं जिनके बारे में बेशक इस देश के लोगों को कम मालूम हो, लेकिन अपने प्रयासों से राणा राम जिस रेगिस्तान से लोहा ले रहे हैं वो इस देश के हर बाशिंदे को जानना जरूरी है, ताकि लोगों को पता लग सके कि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। बारिश के सीजन में हम लगा देते हैं, बारिश के सीजन लगाने के बाद 3 महीने बारिश रहती है, फिर 2 महीने तक वो पौधा ऐसे ही रह सकता है, फिर 2 महीने के बाद हम मटकों से या ऊंट गाड़ी से, अब तो ट्रैक्टर वगैरह हो गए, फिर उसमें उसको पानी डालते हैं 4 महीने तक, फिर जब वो 1 साल और बड़ा हो जाता है, 3 साल बाद जब हो जाता है तब उसको पानी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बड़ा हो जाता है। पर्यावरण की चिंता ना सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को सता रही है। ऐसे में पेड़ ही हैं जो इस चिंता को कम करेंगे। राणा राम यही कर रहे हैं, और जिस बढ़ते रेगिस्तान के सामने कर रहे हैं वो उनकी नायकी को महानायकी बना रहा है। मेरी भावना के हिसाब तो सब नहीं गूं भाई पौधा लगाओ, भाई दूसरा नहीं तो घर के का नहीं 2 लगाओ 4 लगाओ, पौधे का फल बीज फूल पड़ी तो खाद पड़ी, अच्छा छोटा जीवांगे खाओगे काम आई, अरे बरसात हुई छाया ही बैठा, तो यूं तो लोग कर रहा है। पर आजकल एक कारण और पैदा हो गया कि बिजली मशीनरी द्वारा गैस दूजी ये चीज़ा तरह तरह की आ गई, तो जितनी बढ़ोतरी पर्यावरण की बने जी हूँ हानिकारक दवाया गैस ये ज़्यादा नुकसान कर दे। रेतीली जमीन पर जरा एक पौधा रोप कर देखिए और उस पौधे की पेड़ बनने तक सेवा करके देखिए, तब जाकर एहसास होगा कि राणा राम क्यों लाखों में एक है। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है इस रेतीली जमीन पर पौधा लगाकर पेड़ बनाना। विष्णुई जकी कास्ट है जाती है ये, इसका पर्यावरण में पेड़ पौधा के हाथे प्रेम जीव राखना तो बहुत परंपरा रही है, और संत थे तो विष्णु ही धर्म बना दिया, उसका नाम जम्बो जी था, और जियो जीने दो कहो और ऊकर 29 धर्म बनाए। उस धर्म के आधार में थे जियो जीने दो ना ए जीव जतु है वगैरह, इसमें आ गए पेड़ पौधा आ गए। तो जीव जतु ने नुकसान करने वाले ने हमलो कियो तो मैं या मैं माने मार दिया, हल्ला मैं मारी जा, मैं बहुत कम मारी जा, क्योंकि मैं तो रस्ते बेहते ही उसके साथ हमलो कर लियो, मारे पास
कोई औजार ही नहीं, तो माने बेदूरी हुई मार काटा। तो ये हमारे 363 तो पहले भी मरे, तो उस टाइम में हुकूमत बड़ी तेज थी, राजाओं का राज था, बोलने का कोई अधिकार ही किसी का ही नहीं था। तो आज की टाइम में ही लोग मर रहे हैं, तो ये जीवांगे बदले तो आज दिन ही मरे हैं। और मैं 363 आदमी खेजड़ी के ना हूँ, खेजड़ी काटे बिंगे बदले बढ़िया, तो बा कई वर्ष तक चिपत में रही। बच्चे धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा ही उसका उजागर हुआ। पौधा के साथ प्रेम तो सबका है, लेकिन उसका नाम सब नहीं जानते। अच्छा, कई बार गांव में लोग रहे हैं जका पर्यावरण जरूरी, जकी कौम है विष्णुई, जका उसका नाम जरूर जाने, क्यों कि मैं इनके हाथ प्रेम रहे हमेशा। एक हमारे ऐसा होता है कि विष्णुया का जका गांव है उसमें हम दरखत को काटते नहीं है। अच्छा, कारण का ही कारण को, एक तो बकरी भेड़ रखे तो वो जाट चौधरी राजपूत भाई है, बेबी ने बकरी ने लूंग नाखे, तो मैं बकरी हमारे विष्णुइयों में बकरी छोटो धन नहीं है। तो इन कारणों कही गया कि भाई यार बकरी को नहीं जना नाके, नहीं ऐसा हमारा नहीं है दरखत के भाई घाव मत गातो, हरो वृक्ष के घाव गातने से अपराध माना जाता है आत्मा में, इन्हें बजाऊ मैं नहीं कर रहा। तो हमारे तो पर्यावरण को भाई मैं तू है और मैं आ बात ने माना। इस रेगिस्तान में राणा राम ने 40,000 पेड़ खड़े किए। हर पेड़ ने राणा राम के हाथों से 3 साल तक पानी पिया है और तब जाकर वो इस रेत में अपनी जड़ें मजबूत कर पाया है। जिस रेगिस्तान में इंसानों को पीने का पानी ढूंढने से नहीं मिलता, उस रेगिस्तान में राणा राम ने इन पौधों को पानी पिलाया है। पर्यावरण बिना तो लोग ही जी नहीं सकता, तो मिन का फर्ज बनता है श्रद्धा अनुसार काम करो। तो ये हमने उस टाइम में कुआ तैरते थे हाथ से, बैलों से या ऊँटों से, वहाँ तय करके पानी लाते थे, नीचे दोरे गए, नीचे मटकी पानी ला ला रहा लगावना, बच्चे छोटी मोटी झाड़ी की पहाड़ रख रखाव करनी। तो धीरे धीरे करने हूँ ए पौधा टपड़िया। अच्छा, एक पौधो कोई आज लगावा आपा 10 साल मेहनत करा, तो पौधे री उम्र कम व कम है तो ही 400-500 साल की उम्र है। एक टाइम में कोई बड़े आदमी ने गयो कि भाई 10,000 बरगी खेड़ी री उम्र है, तो खेड़ी लगा उनमें 8-10 वर्ष लाग जाए ना, 10,000 की उम्र हुए जिंदा तो बहुत घणो ही लाभ हुए। बी में कोई गया कि भाई दरखत की चीज की ऑक्सीजन लीकड़े बहाव ले उनाले के वास्ते बड़ी लाभदायक हुए, जिंदा वो रोज की ऑक्सीजन 2.5 लाख की निकाले लाभदायक, और हाल ले उनाले के 20,000 की रोज की चाहिए। अच्छा, बी माते 10-20 चिड़िया हुए तो बांगे बांगे हजे। अच्छा, मानू जाती है, जीव है, जतु बिंग पाकती अलगी चाहिए। तो ए कई चीजा प्रकृति बन जुड़ी है, मानू जाति बन जुड़ी है या दूजी बन जुड़ी है, तो इन रिक्शा करण को हंगड़ा को भर जाए आपनो मिन करो जरूरी हक बनता है। एक हमारे यहाँ राजस्थान में तो वर्षा भी तो कम हुए, दुबल रेत है, तो इत पौधो लगाने में बड़ी मुश्किल की कठिनाई है, क्योंकि सुबह को ठंड को फिर सके, रात दिन का 10 बजी तो वो नहीं रह सके, बिगड़ छया क्यों जमी खुद तप्पे बहुत है। तो सेवा कर बेगो थो कोई जय टो लीकड़े ना वे हुई तो तपती के नेड़ो रही जे की कर इतनी गमी जमीन खुद गर्म हुए। तो है पौधा लगने वो में जिया झाड़ियाँ लगी तो लगूड़ी चीज कई तक रही, एक इमारत बनावा परिवार रहे पड़ पोता ही रहे, तो जो ही आ चीज है कोई जो पेड़ों के लिए इतनी मेहनत कर सकता है जितनी राणा राम ने की है? पूरा का पूरा जीवन खपा दिया है इस शख्स ने इस रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए। राजस्थान में बिश्नोई समाज का पर्यावरण प्रेम जग जाहिर है। राजस्थान के अलावा बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। राणा राम इसी बिश्नोई समाज से आते हैं।
वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर इस समाज का प्रेम और जागरूकता जग जाहिर है। पर्यावरण के प्रति इस समाज का इतिहास बलिदानों से भरा रहा है। ये वो जमात है जिसने पेड़ों के लिए जान दी है। राणा राम ने जान तो नहीं दी, लेकिन इन पेड़ों के लिए जान जरूर निकाल कर रख दी। जान से ज्यादा प्यार करते हैं राणा राम अपने इन पेड़ों से। इस मरुस्थल में राणा राम ने नीम, रोहिदा, खाखरी, खेजड़ी, अंजीर, बोगनविलिया और बबूल के पौधे लगाए। राणा राम को उनके इस योगदान के लिए कई सम्मान मिले। कई फिल्में बनी, लेकिन सम्मान को लेकर राणा राम के विचार अलग हैं। इस धरा की सूरत और सीरत बदलने की ललक राणा राम में इतनी जबरदस्त है कि रेगिस्तान में मानसून लाने के लिए राणा राम ने इस रेतीली रेगिस्तान में 1,00,000 बीज से पौधे तैयार कर दिए। रेगिस्तान को हरा भरा करने की मुहिम में अब राणा राम अकेले नहीं हैं। इनका बेटा विशेष बिश्नोई भी अब अपने पिता की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटा है। तस्वीरों में देखिए, जब बेटा छोटा था तब भी वो पिता का हाथ बटाता था, लेकिन अब वही बेटा बड़ा हो चुका है। अपने पिता के आदर्शों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर अब वो रेगिस्तान की हरियाली देश की राजधानी दिल्ली तक ले आया। हालांकि खुद राणा राम ने भी दिल्ली के संसद मार्ग पर अपने हाथों से पेड़ लगाकर देश को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। एक टाइम में 2 साल की बात है, राजस्थान में जयपुर की कोई बात थी, राज्यपाल महिला थी उस टाइम में, तो उसने मेरे को पूछा, भाई चौधरी साहब थे वर्षा बतावे कि जोधपुर संभाग में वर्षा नहीं होती, इनो का ही कारण है। मैं यू भाई जी ऐसी बात है, उदयपुर हूँ दिल्ली तक अरावली पहाड़ी पड़े और पहाड़ी बड़ी ऊंची पड़े, तो ऊंची के बजे पहाड़ तपे ऊपर पेड़ पौधो है नहीं, तो मौसम मानसून आवे छठे हाथों में घादे माते आवे ना वो भी हूँ पाछो पाछो जयपुर उपरिया हुए एयरपोर्ट अल भारतपुर हुए हरियाणा में को बड़े बड़े आडी बाढ़ आएगी अपाड़ आली जिंदा बार बार हिमाचल से, तो ई माते ही पौधा लगाया जाए तो क्या तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपने मेरे को पूछा वर्षा नहीं हुए इन बजे को मैं हो कि भाई नुकसान कोई हुए ना पैरों पुलिस वाला दे, तो इन वास्ते आप हमारा सिपाही हो तो आप कुछ भी कर सको, तो मेरे को पूछो आप क्या मदद करोगे। मैं ये बहुत बड़ी बात है, आएगा हम आपको 10,00,000 बीज दे देंगे, 10,00,000 बीज दे देंगे हम बीज जो को गर्मी में पड़ दे चक्का चक्का, खेड़ी गर्मी में दे, नीमड़ो गर्मी में दे, रोहिड़ो गर्मी में दे, गर्मी में पड़ता ही वो कितनी गर्मियों मरे नहीं, तो ए पौधा बीज में दो। रेगिस्तान को हरा भरा करने की मुहिम में अब राणा राम अकेले नहीं हैं। इनका बेटा विशेष बिश्नोई भी अब अपने पिता की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटा है। तस्वीरों में देखिए, जब बेटा छोटा था तब भी वो पिता का हाथ बटाता था, लेकिन अब वही बेटा बड़ा हो चुका है। अपने पिता के आदर्शों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर अब वो रेगिस्तान की हरियाली देश की राजधानी दिल्ली तक ले आया। हालांकि खुद राणा राम ने भी दिल्ली के संसद मार्ग पर अपने हाथों से पेड़ लगाकर देश को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। खेजड़ी के 5,000 या 10,000 बीज लेके गया था, वहाँ पर मेदांता अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर त्रेहन से बात की, मैंने कहा सर ये खेजड़ी के पौधे हम वहाँ से यहाँ लाते हैं तो हमारे खर्चा वगैरह बहुत आता है, क्या आप हमें 5वीं मंजिल पे इनकी एक नर्सरी बनी हुई है मेदांता में, तो हमने कहा क्या आप परमिशन मेरे को दे सकते हो कि मैं यहाँ पर खेजड़ी के पौधे लगाऊँ तैयार करूँ, फिर यहाँ गुड़गांव में भी लगाऊँगा, दिल्ली यहाँ
क्योंकि मेरा प्लान था कि देश के सभी राज्यों में पौधे लगाए जाएंगे थोड़े थोड़े भी, ताकि लोग जागृत हो, क्योंकि काम तो हम बहुत कर चुके हैं, लगभग 35-40 हज़ार पौधे लगा चुके हैं, वो किसी करीब में से कम नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आप लगा सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ लगाया, डॉक्टर त्रेहान जी ने परमिशन दी, तो गुड़गांव में भी लगाए, दिल्ली में भी लगाए और काफ़ी जगह भी लगाए। बेटे का खून नया है, लिहाजा इसके काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। जिस मिशन के लिए पिता ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उसे बेटा जाया नहीं जाने देना चाहता। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने कहा भाई क्या इस काम के लिए खोलने के लिए मैं भगत सिंह की तरह बम फोड़ू, ताकि यहाँ पर आपको खुल सके आंखें और ये सामने आ सके भाई यहाँ के जो पीएम हैं उनको बात, क्योंकि उनके पास तो पहुँच नहीं पाती है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है बम फोड़ने का बहुत बड़ा परिणाम होगा, तो आप जान जा सकती है। मैंने कहा जान चाहे मुझे, उसकी कोई टेंशन नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं। फिर मुझे वहाँ पर गिरफ्तार किया पीएम कार्यालय के अंदर, फिर वहाँ से मुझे छोड़ा, फिर संसद मार्ग थाने में लेके जाया, वहाँ पूछताछ करके छोड़ गई। बेटे का कहना है कि रेगिस्तान में हरियाली सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रयासों से नहीं आ पाएगी, इसमें सरकार से सहायता की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है उससे बड़ी निराशा होती है। अब किसान लोग अनपढ़ और किसी सरकार की एक ही रुपए की मदद के बिना हम 40 हज़ार पौधे लगा सकते हैं, तो यदि मदद मिले तो हम 40 लाख पौधे लगा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान को हरा भरा कर सकते हैं, जिससे हम विश्व के अंदर भी हिंदुस्तान का नाम होगा। ये बात सच है कि जो शख्स बिना किसी सरकारी मदद के रेगिस्तान में 50 हज़ार पेड़ लगा सकता है, अगर उसे सरकार से सिस्टम से थोड़ी मदद मिल जाए तो वो पूरे रेगिस्तान की काया पलट सकता है। अपनी उम्र के नौजवानों के बीच इसी ऑर्गेनिक खेती की अलख जगा रहे हैं देवेश पटेल, ताकि नई पीढ़ी उनके इस संदेश को समझे, जाने और आगे बढ़े। 35 साल के इस युवा किसान की कहानी महानायकों वाली है, जो खेती को अपने तरीके से करता है। देवेश पटेल के बारे में आनंद जिले का हर किसान जानता है, आसपास के 15-20 गांव के किसान तो इस युवा किसान के पदचिन्हों पर चलकर अपने खेतों में कामयाबी की कहानी भी लिख रहे हैं।